कैमरा साथ साथ चलवा दो, एक ऊपर भी लगवा दो, एंगल सारे शूट करा दो, फिर फ्रेम में देख बता दो फोटो कैसी आ रही है, फोटो सॉलिड आ रही है, फोटो कैसी आ रही है, फोटो सॉलिड आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN न्यूज और इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे स्टार हैं जो बहुत ही कम समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं इतने कम समय में जिनके गाने लगातार वायरल होने लगे हैं और लोग इनके गानों को काफी पसंद कर रहे हैं। ये गौरव भाई हैं जो भड़तना के रहने वाले हैं। इन्होंने मुंबई में रहकर काफी एक्टिंग की और बहुत कुछ किया है मुंबई में रहकर, तो इन्होंने जिस तरीके से अपनी तैयारी की मुंबई में रहकर, अब ये इटावा में आकर अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का जमाना है तो ये तमाम गाने जो हैं वो लगातार ला रहे हैं। अब तक इन्होंने 3 गाने लॉन्च किए हैं, 3 गानों में जिस तरीके से इन्होंने जो गाने बनाए हैं तो वो हर कोई उस गाने को पसंद कर रहा है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, भाई एक नया गाना जो इनका रिलीज हुआ है तो उस गाने को काफी लोग पसंद कर रहे हैं और वो गाना बहुत ही जल्द वायरल होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से उस गाने में इन्होंने बोल दिए हैं तो वो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे भाई इनके साथ जो इनकी इस गाने में एक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गौरव भाई ये बताइए, जिस तरीके से आप जो गाना लेकर आए हैं नया गाना, उस गाने के बारे में बताइए कैसा गाना है। वो गाना फोटोग्राफर्स के लिए ये है कि जब हम लोग एंगल भी फोटोग्राफर्स ही नॉर्मल जिंदगी में भी जब हम लोग फोटो दूसरे की खींचते हैं तो फोटो खींचने के बाद पूछा जाता है कि फोटो कैसी आ रही है, तो उस लाइन को मेरे दिमाग में वो आइडिया चल रहा था, उसको लेकर मैंने जवाब दिया है कैमरामैन लोगों की तरफ से कि फोटो हम लोग अच्छी खींचते हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं तो फोटो सॉलिड आ रही है, ये टैगलाइन बना के हमने गाना बनाया है और गाना शादी ब्याह वाला पार्टी वाला कार्यक्रम में शूट किया है हमने अपने। तो ये जो गाना आपने रिलीज किया है तो इस गाने को कितना टाइम लगा बनाने में, एडिटिंग करने में और शूटिंग वगैरह करने में? ये गाना पहले वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, फिर इसको अब तैयार किया तो 2-2.5 महीने का समय इस गाने में लग गया हमारा। तो इस गाने में आप ही कैमरा मैन है, तो इसमें सिंगिंग कौन कर रहा है? सिंगिंग हमने खुद ही की है, खुद ही हमने लिखा है, कंपोज किया है और एक्टिंग भी हम खुद ही कर रहे हैं। तो काफी टाइम लगा होगा आपको ये सब करने में क्योंकि आपने पहले लिखा होगा, लिखने में कितना समय लग गया? नहीं, लिखने का तो आइडिया होता है कि 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, जैसे आपके विचार आते जाएंगे। गाने हमने मैंने काफी सारे गाने लिख रखे हैं, 400-500 से ज्यादा गाना मेरे कंप्लीट रखे हुए। अच्छा, अभी लिखे रखे हैं 400-500 और उनपे अभी काम शुरू नहीं आया, ये तो बीच में ही जैसे आइडिया आ गया कोई और तुरंत गाना लिख दिया, एक दिन में लिख दिया, कोई 2 घंटे में लिख दिया और फिर उसपे कंपोजिशन करने लगते हैं। तो अगर 400-500 गाने आपके इंटरनेट पर आएंगे तो क्या होने वाला आगे चल के? अब वो तो लोगों के ही लिए समर्पित होंगे सारे गाने, और अगर 400-500 गाने हमारे मार्केट में आते हैं तो फिर आप समझिए कि धमाल ही होगा। तो जिस तरीके से और भी आप गाने पहले रिलीज कर चुके हैं, उन गानों में क्या था और कैसा आपको सपोर्ट मिला लोगों का? पहला गाना हमने किया था वो एक बार इंस्टाग्राम स्टार थी हीना भारती, उनके साथ किया था, वो किसी और से एक्टिंग करवाई थी दूसरे लड़के से, तो फिर वो गाना वायरल हुआ। उसके बाद हमने दूसरा गाना किया गैंगस्टर वाला था वो, जिसमें हमने एक्टिंग की थी, खुद गाया था, तो वो भी अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। और तीसरा गाना ये हमने लॉन्च कर दिया, चौथे गाने तो की जो आप गाने तैयार कर रहे हैं, इन गानों को किन किन प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही साथ में, इसके अलावा कहाँ कहाँ सुनने के? ये यूट्यूब के हमारे चैनल है उन पे आ रहा है, और यूट्यूब के अलावा म्यूजिक के जितने भी आप जानते हैं, स्पॉटी, जियो सावन, बिंग, अमेजोन, मतलब 150 चैनल से अधिक, सब पे ये आपको सुनने को मिलेगा गाना। तो ये आप इस दुनिया में कैसे आए, एक्टिंग करने, सिंगिंग करना, राइटिंग करना, कैसे सीखा आपने ये सब? राइटिंग तो हमारी बचपन से ही शौक थी, मैं 3rd क्लास में पढ़ता था तब हम कविता वगैरह लिखते थे, एक गाना लिखा था तो जिसपे हमें स्कूल से 10 रुपए का इनाम मिला था, वो अभी भी मेरे पास 10 का नोट रखा हुआ है, तो उससे प्रेरणा मिली और हम लिखते रहे। फिर हम 2011 में मुंबई चले गए, वहाँ हमने पूरी जानकारी ली, सीखा, लोगों के साथ काम किया, और अब हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें, यहाँ ब्रजबुट की जो नींव रखी गई है उसको बहुत आगे तक बढ़ाएं, इसलिए हम अपने जिले में काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह बॉलीवुड है, हॉलीवुड है,
तो ये ब्रजवुड कहाँ से चला? ब्रजवुड ये हमारा 84 कोस जो एरिया आता है वो ब्रज का क्षेत्र है, और जो उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसको हम लोगों ने ब्रजवुड का नाम दिया है। और हमारे काफी साथी और हैं जो ब्रजवुड में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और टचपुट हमारा ये भी रहता है कि जिस टाइप का गाना हो वहाँ की थोड़ा परवेश दिखाई जाए। ब्रज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रज से काम कर रहे हैं। जैसे बॉलीवुड में भी काम हो रहा है, बॉलीवुड से फिल्में बनती हैं पर उनमें भाषा हम इटावा की बहुत ज्यादा प्रॉपर दे देते हैं, तो क्या वहाँ मुंबई के लोग नहीं देखते हैं? वहाँ की भी देखते हैं, एक टच होता है कहीं का। तो हम इटावा के हैं, ब्रजवुड के लोग हैं, हम ब्रज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी कभी काम हमारा जैसे पंजाबी सॉन्ग करने का हुआ तो हम अपनी भाषा को लेके कुछ टच पंजाबी डाल देंगे तो वहाँ का भी मार्केट हमको मिलेगा। तो आगे क्या सपना देखा है? जिस तरीके से आपने 500 गाने लिख के रखे हैं, हमने 500 गाने लिख के रखे हैं, शॉर्ट स्टोरी पूरी पूरी फिल्म लिख के रखी है, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट सब कुछ तैयार है। तो हम यही है कि हमारा मार्केट में जैसे ही जैसे काम आता है आने वाले समय में आपको हम शॉर्ट स्टोरी मूवी अच्छे स्तर की दे सकेंगे। तो ये सब आपने कैसे शुरुआत की थी? जिस तरीके से आप बता रहे हैं इतनी सारी स्टोरियां आपने लिख कर रखी हैं तो कहीं ना कहीं काफी टाइम लगा होगा। क्या ये रियल स्टोरी है या ऐसे ही आपने सपने में देखी? नहीं, रियल स्टोरीज हैं ज्यादातर। और जो हमारी थीम होती है, हम लोग श्रृंगार पे लिखने वाले लोग हैं, तो इमेजिन हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा लिख सकते हैं। और फिर कोई पकड़ अपने हाथ में आ गई, कोई किसी ने कोई शब्द बोल दिया, कभी कहीं जा रहे रास्ते में कोई बात हो गई, कभी कुछ कोई अच्छा दृश्य देख लिया तो वहाँ पे हम अपना स्टार्ट हो जाता है मेरा दिमाग, और फिर हम कोई अच्छा गाना लिख देते हैं। तो ये थे गौरव भाई, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कैसे उन्होंने शुरुआत की थी। वहीं हमारे साथ मैम भी इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जो नया गाना आया है काफी हिट हो रहा है, लोग इनके गाने को पसंद कर रहे हैं। और इनकी एक्टिंग अगर आप देखेंगे गाने में तो ज्यादातर इनकी एक्टिंग को भी लोग पसंद करें। मैम क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम रिंकी है। तो जिस तरीके से आपने ये गाना शूट किया है, आपका गाना रिलीज हो गया, कैसा लग रहा है? जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, की अच्छा फील हो रहा है कि ग्रोथिंग हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये तो मुंबई से निकल कर आए हैं, आप कहाँ से आपने सीखा ये सब एक्टिंग? हम तो यहीं रहे हैं बचपन से ही, मेरे अंदर ये गुण अपने आप ही है, कुछ घर से ही थोड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे ही है। आप लोगों का भी वीडियो देखती होंगी जिस तरीके से, और भी कई सारे लोग फिल्म शूट करते हैं, गाने रिलीज कर रहे हैं, तो क्या कुछ वहां से भी आपको सीखने मिलता है या कोई कोचिंग वगैरह? बिल्कुल मिलता है वहां से, जैसे एक्टर है एक माधुरी मैम है, उनको देख के ज्यादा प्रभावित रहती हूँ। और कुछ हाँ, स्कूलिंग में भी कुछ थोड़ा बहुत मिला है, कुछ घर से मिला है ऐसे। जिस तरीके से आपका गाना रिलीज हुआ है तो जो फैन है कहीं ना कहीं आपके भी फैन बनने लगे होंगे, लोग आपको भी पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपके साथ फोटो खिंचाना पसंद करेंगे। तो क्या आगे आपने क्या सपना देखा, किस तरीके की आपकी तैयारियां रहेंगी इस फील्ड में आने के बाद? सपना तो यही है कि थोड़ा आगे ही बढ़ते जाए, बस ये सपना है कि जैसे ये डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए इस डिजिटल इंडिया में काफी कठिन हो गया आगे बढ़ने के लिए क्योंकि कई सारे लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, तो कैसे आप लोगों को प्रभावित करेंगी, कैसे मेहनत करेंगी? आई थिंक कि जो मैं काम करूंगी जिसमें थोड़ा अच्छी खुद ही फिनिशिंग होगी तो उसमें मैं आगे खुद ग्रोथिंग करूंगी तो जनता का सपोर्ट मिलेगा ऐसे। तो इस गाने के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं, किस तरह की बोल है इस गाने में? फोटो सॉलिड से ही शुरुआत है, इस गाने के बोल हैं ये फोटो सॉलिड आ रही है। तो इसमें जो मैन जो लड़की होती है, जो वो मेरी बहन बनी हुई है, सिस्टर है, तो उसकी मैं छोटी बहन बनी हुई हूँ। तो उसमें ये है कि फोटो मतलब बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसी हिसाब से कैमरा मैन से कह रही हूँ, सारे कैमरा मैन जो होते हैं उसके हिसाब से। तो बस यही है। क्या कह रही हूँ उसमें, कुछ बताइए उसके बारे में। उसका कहना ये है कि मतलब फोटो एकदम सॉलिड आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, तो बस उसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं हम, यही है। तो गाना जिस तरह रिलीज हुआ है, कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ कहाँ देखा जा रहा है? काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारे आसपास भी देखा जा रहा है, दूर से भी देखा जा रहा है, यहाँ तक कि कहाँ हरियाणा साइड में भी देखा जा रहा है। ये सब सपोर्ट सब जगह से अच्छा है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया, जो गाना है इनका आ चुका है, और अगर आपको भी देखना है तो ये बताएंगे कहाँ 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 देखने के लिए मिलेगा लोगों को? अरे आप YouTube पे आर्थिंद्रा म्यूजिक एंटरटेनमेंट पे जा सकते हैं, और YouTube पे आप फोटो सॉलिड करके लिख सकते हैं, गौरव कुमार सॉन्ग करके लिख सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे तो गाना सबसे ऊपर आएगा फोटो सॉलिड, और उसे आप देख सकते हैं। देख कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए,
कि आपको कैसा गाना लगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये गौरव कुमार हैं, इनके साथ ही एक्टर हैं जो इनके साथ में रोल इन्होंने निभाया है। तो इनका गाना कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। इनका गाना देखने के लिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं जो नाम इन्होंने बताया। वीडियो को लाइक करिए जिससे ये लगातार आगे बढ़ सके और ऐसे गाने आप सबके लिए लगातार लाते रहे। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।